तो कितने प्यार से खेले जा रहा है। क्या हुआ मंकी, सोया है पूरा चरपाई पे ना, रोटी अभी इसको दे रखे हैं और ये खाए जा रहा है। हाँ क्या हुआ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव वाली बकरी लेने के लिए। अभी हमारा हिरनी है ना उधर में खड़ी है, उसका सखी लेने जा रहे हैं और जा रहे हैं। अभी हमें जाना होगा 30 किलोमीटर दूर, जो कि अभी हमारा बेटा, ए बेटा उतर जाओ तुम बाइक पर से, तो आने में ना रात भी हो सकता है। आ गए हम लोग अपनी हिरनी के पास, तो अभी रात हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम लोग गए थे लेने के लिए देसी बकरी, जो कि देहाती वाली होती है, गांव वाली। तो हम लोग गए देखे, वो बकरी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल पतला सा था। और दो तीन जगह भी जगह देखे तो वो लोग बोला कि नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग लेकर आज नहीं आ पाए। वैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर मिल जाएगी तो कल हम लोग पक्का लेकर आएंगे। और मंकी देख रहे कैसे भाग रहा है। और मंकी बोले थे भाई हमारे, मंकी आप कहाँ से लेकर आए हैं। तो मैं इस वीडियो में उनको एड्रेस बता देता हूँ, मंकी मैंने कहाँ से लेकर आया था। तो मंकी मैं लेकर आया था आपको रांची से, और रांची में आपको मैं बता दूँ कहाँ मिलेगा। रांची में काटाटोली है, रांची में काटाटोली बस स्टैंड है, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पेट दुकान है जहाँ पे कबूतर वबूतर बिकता है, वहाँ जाके आप बोलिएगा। तो वो लोग, मैंने एक महीना पहले ऑर्डर दिया था उन्हीं लोग को, तो वो मेरे को मंगा के फिर दिए थे। और प्राइस मेरे को बोले भाई कितने में लाए थे, तो मैं बता दूँ भाई 10,000 से ना प्लस में ही मिलेगा। वैसे मैंने 10 प्लस में ही लेकर आया है, आपको जितना में सेट हो जाए आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और आपके इधर भी अगर जहाँ पे बिकता है ना कबूतर वबूतर, वहाँ पे भी जाके आप पूछिएगा ना कि भाई मुझे मंकी चाहिए, तो आप वहाँ वो लोग भी ला के दे देगा अगर जान पहचान होगा। नहीं तो अगर आपको लेना है तो भाई रांची आना होगा, रांची काटाटोली बस स्टैंड है, आप उस जगह पे जाइए और वहाँ पे जहाँ पेट बिकता है वहाँ बोलिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको फाइनल सब चीज़ मैंने बता दिया। और आपको इसको लेकर आना होगा ना, फर्स्ट बार हम लोग लेकर आए थे ना, तो ये हमें क्या किया ना कि देख रहे अभी इधर आया है, क्या किया कि ये आगे ना बिल्कुल नाखून उखून मारने लगा। फर्स्ट बार आपको मारेगा, इस पर बैठता नहीं था, तो हम लोग ज़बरदस्ती ऐसे बैठाते थे पकड़ के, तो फिर बैठने लगा धीरे धीरे। उसके बाद रात में अपने पास सुलाते थे, तो आप लोग को ये सब करना होगा। और उसको मन पसंद मतलब जो खाता है ना उसको देना होगा। दूध लेकर आए और निप्पल भी लेकर हम लोग आए, तो निप्पल से दूध नहीं पिया और दूध हम लोग का बेकार हो गया, तो दूध ये नहीं पीता है। और क्या पता आप लेके आइएगा तो पिला के देखिए, अगर पिएगा अच्छा बात है तो और तंदुरुस्त रहेगा। तो इसके लिए हम लोग खीरा लेकर आए, सेब लेकर आए। और क्या है कि हम लोग जब खाते थे तो अपने में वैसे तो खाता ही कम है, ज़्यादा नष्ट ही करता है। तो अभी देखिए आके ना इधर इधर घूम रहा है। क्या हुआ, क्या हो गया है, इधर आओ। अभी आए हैं ना तो मेरे जेब में ना ये लटका हुआ है, तो इसको नीचे से पकड़ के ना खींच रहा था। तो ऐसा हमारा मंकी है, अभी बिल्कुल मिल घुल सा गया है। आप भी लेके आइएगा तो मिल घुल सा जाएगा। तो अभी हम लोग जो बकरी लेने गए थे वो मिला नहीं, तो अभी कल फिर हम लोग जाएंगे, तो कल हो सके लेकर आ जाएंगे। तो अभी हमारे सभी चूजे ना इधर में हैं, देख रहे हैं, माँ उसको लेकर ना सो रही है। और हमारी मुर्गी जो अंडा देती है ना, देखते हैं आज दी है कि नहीं। दो दिन हो गया, दो दिन से तो हमें अंडा मिल ही नहीं रहा है, तो आज भी हम लोग को अंडा कहीं नहीं दिख रहा है, लगता है आज भी अंडा नहीं दी। और तो और मैं एक चीज़ और बता दूं मेरे दोस्तों कि मेरा जो मिनी जू का गेट था उसका हम लोग जाली लेकर आ गए हैं, और जो बकरी लेने चले गए थे ना इस वजह से हम लोग का ऊपर का नहीं हो पाया, जाली नहीं लग पाया, नहीं तो आज लग जाना था। तो उसे मुझे लगता है कल लग जाएगा, तो परसों दिन हम लोग का मिनी जू पूरा रेडी हो जाएगा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, इसलिए हम लोग अपनी हिरनी का एक दोस्त भी लेने के लिए गए थे कि हमारा मिनी जू रेडी हो जाएगा, उसी में रहेगा। अभी देखिए मंकी किधर से सभी चूजों को ना हरका दिया, इधर उधर भागे जा रहा है। हिरनी हमारी जब से ना चिल्लाए जा रही थी, लेने गए थे तुम्हारा दोस्त, नहीं मिला, अभी कल लेकर आ जाएंगे तब इसके बगल में ही रखेंगे। देखिए हाथ चबा रही है, इसको लग रहा है ना कि हम लोग रोटी लेकर आए हैं, पर अभी तो हम लोग रोटी नहीं लेकर आए, रोटी अभी बन रहा है, रोटी बन जाने के बाद इसको ला के देंगे। सभी हमारे पास इतने सारे चूजे हैं ना, चे चिल्लाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और तो और मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारा चूजा ना घायल हो गया था, तो अभी डेड कर गया वो। सभी चूजे इधर उधर घूम रहे। अभी हमारे परिंदे हैं ना, वो भी देखिए क्या है, मम्मी ने ना इसको दाना भी दे दिया है, पानी भी दे रखा है। इसमें वाले कबूतर कहाँ हैं भाई, दो कबूतर किधर में,
इधर में है। ये चीज आए थे ना हम जैसे ही घर पे, उसे मम्मी ने बोला था कि दो कबूतर नहीं मिल रहे हैं, अभी मैं जाके देख रहा तो इसमें है ही नहीं, तो मेरे कबूतर है किधर में? इधर तो कहीं नहीं बैठा है लो, इधर में है, ये देखिए यहाँ पे है, दोनों ना जोड़ा बना हुआ है, देख रहे अंडा देने की ना तैयारी में है, इधर प्यारे से बैठे हुए हमारे कबूतर, देख रहे बहुत जल्दी ना ये अंडा देंगे, ये दोनों आके ना इधर छुप के रह रहे हैं, हमारा मिनी जुका अगर रेडी हो जाता ना अब तक ये अंडे दे दिए होते हैं, तो अभी हम लोग इसको पकड़ के ना अंदर, लगता है मंकी ने इसको घायल किया यार, यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे पंख उड़ गया है, इस जगह पे पंख इसका लगता है नोच दिया है, तो इसको ले चलते हैं हम, इसको उसी में डाल देते हैं, इसका जो घर है उसी में डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए, अभी तो मिल गया। मेरे जाके देखा मम्मी जैसे ही मैं आया वैसे ही मम्मी बोली कि दो कबूतर निकल गए हैं, तो मेरा अभी जब मेरा इस पे गया ना तब मुझे ध्यान आया कि बीच में तो कबूतर है ही नहीं, तभी इसको इसके अंदर डाल देते हैं, जाओ इसे बंद कर देते हैं, और अभी हमारा एक कबूतर देखिए उड़ कर इधर आ गया है, मंकी चलो 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 इसको पकड़ लेते हैं, ए भागो नहीं भागो नहीं, और मुर्गी भी इस पर हमला कर रही है, अभी चला गया वो अपने घर के पास में ही, तो इसको हम लोग ऐसे अंधेरा करके ऐसे पकड़ लेते हैं, चलो चलो रुको 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 रुको, तो मैं इसे अपने घर में डाल देते हैं, चलो 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 चलो, तो इसको डाल दिए अपने दोनों कबूतर को अंदर में, वैसे ना मुझे कबूतर पकड़ने का ना बहुत ज्यादा आइडिया है, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में रहता था, दिल्ली में ना हम लोग कबूतर पाल रखे थे, मैं बहुत जनों का कबूतर पकड़ लेता था, जब भी हम लोग के इधर आ जाता था ना वो कबूतर इधर उधर नहीं बैठता था, मैं बहुत फास्ट कबूतर पकड़ने में था, जंगली कबूतर लोग को तो अगर वो आ जाता ना हम तुरंत पकड़ लेते थे, हम और हमारा छोटा भाई बहुत उस समय छोटे छोटे थे, ये सब चीज का बहुत ज्यादा हम लोग बचपन से ही शौकीन है कि हमारे पास हर चीज रहे, पंछियों हो, अभी जैसे हम लोग गए थे एक बकरी और लाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जगह देखे भी थे पर वो बेचने का नाम नहीं लिया, इस वजह से नहीं लेकर आ पाए, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय दोस्तों। तो कितने प्यार से खेले जा रहा है, क्या हुआ मंकी, सोया है पूरा चरपाई पे ना, रोटी अभी इसको दे रखे हैं और ये खाए जा रहा है, क्या हुआ।